विल पावर आपकी बिल्ट होती है जितना ज्यादा आप हेल्दी होते हैं. मसलन आपके सर में दर्द है ना, तो आपकी विल पावर नीचे हो जाएगी. प्रोएक्टिविटी में मुझे ये फील हुआ था, मुझे सबसे ज्यादा इसमें आसानी होती अपने टीनेजर्स से ही डील करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाइपर होते हैं कि जब मैं भी हाइपर हो जाऊं तो फिर तो डिजास्टर होता है. हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी नींद नहीं पूरी हुई हुई, तो आपकी विल पावर डाउन हो जाती है. ऐसे मसले आपकी जिंदगी में जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप मैनेज नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करते हैं, बहुत सी चीजों का फैसला सही नहीं करते, आप उन चीजों को भी ठूस ठूस छोड़ना शुरू कर देते. तो ये चार चीजें हैं जो आपने करनी है. और आप देखें कि हमें अल्लाह सुबहान तआला बताते हैं, जैसे सूरह शूरा की आयत नंबर 30 देखें, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर. क्या है, जो भी मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है किस लिए आती है, हमारे अपने हाथों की कमाई. हम खुद गलत फैसले कर रहे होते हैं और हम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहे होते हैं, और फिर हम जाकर अपनी वो जो है ना कहानियां और दास्तानें और ट्रेजेडीज लोगों को जा जाके सुनाते हैं कि जी देखें मेरी जिंदगी में क्या मसला हुआ. तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझ आ रहा है. अब वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि हमने कोई भी स्टिमुलस आएगा हमने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है. और उसके लिए चार चीजों को इस्तेमाल करना है और कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करते चले जाना है. हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि जो इंसान रिएक्ट करता है और जो रिस्पॉन्स देता है, जो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, उनमें क्या फर्क होता है. क्योंकि आपको ना जब आप किसी सिचुएशन से गुजर जाते हैं ना, आपको एक सेकेंड में पता चल जाना चाहिए यहां पे मैं प्रोएक्टिव थी या मैं रिएक्टिव थी. जो इंसान प्रोएक्टिव होगा यानी कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो क्या होगा, वो इनिशिएटिव लेगा, वो सिचुएशन को डे टू डे एनालाइज कर रहा है, उसने हर चीज में पहले से सोचा हुआ है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उसने अपने माइंड में मेंटली प्रिपेयर होके फैसले किए हुए हैं कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये हो गया तो क्या करना है, वो हो गया तो क्या करना है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं, वो कहते नहीं कुछ भी नहीं होगा, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है. बच्चे की चाल ढाल हुलिया बता रहा है आपको. आप अपने अगर ससुराल मैके में कोई इश्यू चल रहा है, आपको पॉइंटर्स मिल रहे हैं, लेकिन नहीं आप उनसे सीख नहीं रहे हैं और आप गलत पे गलत फैसले किए जा रहे हैं. मसलन कितनी खवातीन को मैं जानती हूं, वो क्या करती हैं कि जी मियां निकम्मा है, शादी के बाद उनको एहसास हो चुका कि हस्बैंड काम नहीं सही तरह करता, एक नौकरी करता है फिर छोड़ देता है, घर वाले पैंपर करते हैं, उनको ये पॉइंटर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मियां कहता है कि तुम मुझे ना अपनी सारी ज्वेलरी दे दो, मैं बेच के इससे बिजनेस करूंगा, मैं तुम्हें इससे ज्यादा बनवा दूंगा. क्या करती है, दे देती है और फिर सारी जिंदगी रोती रहती है, मैंने तो अपना जेवर भी बेच दिया उसकी खातिर. क्यों दिया, आपको किसने कहा था, वो मियां मांग रहे थे, तो मियां के आपको ट्रेड्स नहीं नजर आए थे, आपको रिस्पॉन्ड करना नहीं आया, आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था कि मियां के वो हालात नहीं है, मैंने अपनी ज्वेलरी को सेव करके अलग रखना है. देखिए ना, आपका मियां हार्ड वर्किंग है, आपका मियां काम कर रहा है और फिर उस पर मुश्किल आई और फिर आप उसको किसी तरह फैसिलिटेट करिए, दैट इज डिफरेंट. कितनी ऐसी खवातीन को मैं जानती हूं, इसी तरह से मियां नौकरियां बदलता रहता है, निकम्मा है, नजर आ रहा है, काम नहीं करना चाहता, और वो कहती है मैं नौकरी कर लेती हूं. यानी प्रोएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वो ये नहीं है छोटी छोटी सिचुएशन, गिलास तोड़ दिया, होमवर्क नहीं किया, बड़ी सिचुएशन लाइफ की आप देखें. कई दफा हम जो उस वक्त इमोशनल होकर लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ यही नहीं है कि आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया किसी पे, रिएक्शन ये भी है आपका कि आपने लॉन्ग रिजल्ट नहीं सोचे, आज से 10 साल बाद का रिजल्ट नहीं सोचा. प्रोएक्टिव होने का मतलब है आप हर चीज को पहले से इनिशिएट कर देती है, और जो लोग रिएक्टिव है वो क्या करते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इन सर्कमस्टांसेस. लोग क्या कह रहे हैं, इसने ये कह दिया, हाय ये उदास हो गया, इसको गम लग गया, मैं इसको ऐसे हेल्प कर दूं, मैं इसके लिए ये काम कर दूं, नहीं करना इस तरह. दूसरी बात, प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मैंने आपको बताया था, और वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस लेते हैं, प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपनी चीजों के लिए, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता भी नहीं है. अब आप देखें कि प्रोएक्टिव लाइफस्टाइल जो है हमें क्या कुछ देता है, हेल्दी एटीट्यूड देता है हर सिचुएशन में, गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स देता है, क्योंकि जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो वक्त से पहले सारी चीजें प्लान करते हैं,
इसकी छोटी सी मैं मिसाल देती हूँ, आपकी फैमिली में कोई जरूरी शादी आ रही है, ऐसी शादी है कि आप छोड़ नहीं सकते, और साथ ही आपके बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, जो रिएक्टिव लोग हैं वो क्या करेंगे, और खासतौर पर अगर ससुराल में शादी है, शोर मचाना, सिर्फ शोर मचाना, मियाँ को सुनाई, उनको सुनाई, लोगों को बताई, स्पेशली अगर बहुत करीबी लोग हैं, आपको 4-6 महीने से पता होता है कि शादी आ रही है, तो आप उस 3 महीने में क्यों सोई हुई थी, आप उस 3 महीने में बच्चे को पढ़ाएं, डेली पढ़ाएं, ताकि आपने जब शादी पे जाना है तो बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन वो जो एक एटीट्यूड हमारा है ना, बच्चों के इम्तिहान तो मेरे इम्तिहान, सारे काम छोड़ के बैठ जाती हूं, ये रिएक्टिव लोग होते हैं, जो अपने सारे काम, जो अपनी जिंदगी के एम्स हैं, मिशंस हैं, गोल्स हैं, सब छोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त पे प्लान नहीं किया होता। आपको पता है कि ये काम आ रहा है, आप टाइमली प्लान करके उसको लेकर चलें। दे अचीव टारगेट्स, प्रोएक्टिव लोगों के अपने टारगेट्स उन्होंने अचीव किए होते हैं। कॉन्टिन्यूसली सीक अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव वन सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस बहुत करते हैं, उनकी अपनी अवेयरनेस इतनी इस लेवल की होती है कि वो हर वक्त अपने ऊपर गौर व फिक्र कर रहे होते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और डिसाइसिव एंड इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, उनके अंदर उनकी जो ये होती है ना डिसीजन मेकिंग, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उनके फैसले गलत भी हो सकते हैं लेकिन वो अपने हिसाब से क्लियर होते हैं। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अक्सर ऐसी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं परेशान हो गई हूं, मैं क्या करूं, मेरे से सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना नहीं सीखा होता। प्रोएक्टिव लोग अंदर से कैसे होते हैं, नई सिचुएशंस को वो चैलेंज लेते हैं, को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं, घबराते नहीं नई सिचुएशन से। अब टीचर्स का मैं देखती हूँ, यानी कि ड्यूटी जरा चेंज हुई नहीं, ग्रुप जरा चेंज हुआ नहीं, जो प्रोएक्टिव टीचर होती है वो कहती है ठीक है मैं कर लूंगी, मुझे मुश्किल होगी, मेरे 1-2 लेसन अच्छे नहीं होंगे, मैं कर लूंगी। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो रोना पिटना डाल देते हैं, मैंने नहीं पढ़ाना, फिर मैं जा रही हूं, क्योंकि वो नई अपॉर्चुनिटीज घर में हो, काम पे हो, उसको हैंडल नहीं कर सकते। उनकी फीलिंग्स क्या होती है, दे फील कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग एंड इन कंट्रोल, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे इसी तरीके से सिखा रहा है कुछ तो मैं उसको सीख लूंगी। वो अपनी स्ट्रेच जोन में रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्ट जोन से निकल आते हैं और वो उसको स्ट्रेच करते हैं तो नई चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, और उनका आउटकम क्या होता है कि उनका पर्पज ऑफ लाइफ अच्छा होता है, क्लोजर टू पर्पज ऑफ लाइफ आते हैं, कंट्रोल में होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं। जो लोग रिएक्टिव होते हैं उनके बाहर से क्या होता है कि हर सिचुएशन को वो क्या लेते हैं, मसला, मसले को हल नहीं करते, अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और स्ट्रेसफुल रहते हैं, किसी भी सिचुएशन को फेस करने से घबराते हैं और वो कंफर्ट जोन की बजाय पैनिक जोन में रहते हैं। फील सेफर बट एमलेस, उनको ये तो जरूर लगता है कि भाई मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उनको अपनी जिंदगी बामकसद नहीं नजर आती, उनको लगता है कि मैं हूं ना हूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनका ये लॉस होता है। प्रोएक्टिव लोग जो है दे डू नॉट ब्लेम एनीवन और एनीथिंग, तभी आप उनको ये नहीं कहते सुनेंगे कि जी फलां की वजह से ये हुआ, वो ये तो जरूर कहेंगे फलां ने मुझे ये कहा लेकिन मैंने ये किया। जो ये बार बार लोग कहते हैं ना, नहीं देखे ना, पर मतलब मेरी जिंदगी इतनी अच्छी थी तो मेरे मियां ऐसे हैं, लेकिन आपने मुझे क्लास ही वो वाली दी है, अब ये वाले बच्चे जो इनको पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं मैं कर सकती, देखे ना ये तो बच्चे हैं ही ऐसे, और साथ वाली भी ना उस रिएक्टिविटी को उभारती हैं, अब तुम्हें पता चलेगा फलां बच्चे को पढ़ाओ अब समझ आएगी। जी चैलेंज अच्छा लगता है, मुश्किल बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपने ही बच्चा घर में लाइफ में देखूं तो मैं घबरा जाती हूँ, मुश्किल कर सकती हूँ, मैं ट्रैक करती हूँ, जैसे आपने कहा रिएक्टिव है, लाइक मैं चीखू चिंघाड़ूंगी और ऑल दैट, ये दो अलग बिहेवियर, ये दो अलग बिहेवियर्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम क्लासरूम एनवायरमेंट में हैं तो हमारे इमोशंस डिटैच हैं, और जब हम अपने घर में आ जाते हैं तो हमारे स्टेक्स भी हाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना बच्चा है वो, और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा फील करते हैं कि जो कुछ भी मैं डिसीजन ले रही हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे इमोशंस जो होते हैं वो बहुत हाइट पे चले जाते हैं अपने बच्चे के लिए। इसी तरह आप देखेंगी कई दफा ऐसे भी होता है कि आप दूसरे लोगों को बहुत से मशवरे दे रहे होते हैं और वो बड़े अच्छे दे रहे होते हैं, लोग आपसे आके पूछते हैं, लेकिन आपके पास सिमिलर सिचुएशन जब आती है तो आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं
और जब आप किसी से पूछते हैं, कोई आपको सोल्यूशन देता है, तो आप हैरान होकर सोचते हैं कि मैंने तो अभी कल किसी को ये चीज बताई थी, एग्जैक्टली ये चीज बताई थी। तो मुझे उसमें वो जो दाऊद अलैहि सलाम का वाक्या कुरान में आता है ना, जिसमें आता है कि वो जो सिचुएशन कोई आई तो अल्लाह उनको समझ आ गई कि अल्लाह ताला मुझे सिखाना चाह रहे हैं। सो रिएक्टिव पीपल ब्लेम सर्कमस्टांसेस कंडीशंस। प्रोएक्टिविटी में क्या होता है, बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्शियस चॉइस बेस्ड ऑन वैल्यूज, और रिएक्टिव लोगों का बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंडीशंस बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स। रिएक्टिव लोग सिर्फ फीलिंग्स अपनी देखते हैं, मैं हर्ट हो गई, देखिए ना उसको तो ये नहीं ना कहना चाहिए था, देखिए मैं मतलब इतना ख्याल रखती हूँ, अब ऐसी बात तो नहीं ना उसको करनी चाहिए थी, ये जुमले किसके होंगे, रिएक्टिव लोग होंगे। लास्ट वाली बात तो मुझे हो रहा था कि जो आपको पीयर्स से जो प्रेशर मिलता है या आपके लिए जो फीडबैक मिल रही होती है, वो बाकी आपको जो है वो मोटिवेट करती है या डीमोटिवेट करती है उस टाइम पे। अब आपको लगता है कि अगर आप रिएक्शन में जा रही हैं, तो आप ये कर सकती हैं कि आप फौरन से एनालाइज करें चारों चीजें, मेरे सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियंस, अपनी इमेजिनेशन, विल पावर, और अगर आपको लगता है कि आप वेल सेटल्ड हैं, आप खुश हैं, तो आप दूसरों की बातों को नहीं सोचेंगी। और अगर आपको लगता है कि मे बी आई नीड टू मेक अनदर चॉइस, मे बी अब वो टाइम आ गया है कि मैं किसी और को यहाँ ट्रेन करके किसी और जगह पे जाऊं, तो फिर क्या होता है अगला स्टेप कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से अहेड ऑफ टाइम बात करते हैं। तो ये आपको खुद असेस करना चाहिए कि मुझे अभी ग्रोथ की जरूरत है कि नहीं है। एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग। एज अ टीचर हम देखते हैं जो रिएक्टिव लोग हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिव लोगों का एटीट्यूड ये होता है, आई नो इनफ, आई एम डन विद लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं ऐसी ठीक हूं, मैं यही पढ़ा सकती हूं और मैं यही करूंगी। जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली कल्टिवेटिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। क्या मैंने कुछ सीखा है, क्या मैं नए आइडियाज को फौरन लेती हूं, क्या मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूं। आपको ऐसी क्लास मिल जाती है, ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, बहुत चैलेंजिंग होते हैं, आपको आदत नहीं होती, आपने उस तरीके से पढ़ाया नहीं होता, तो अपने आप को एनालाइज करते रहना कि अगर मैं प्रोएक्टिव हूं तो मैं अपनी ग्रोथ कर रही हूं, मैं सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन को, इदारे को फायदा नहीं दे रही हूं, कि मेरी ग्रोथ हो रही है, कि मैं नई नई चीजें जो है वो ट्राई करने की कोशिश कर रही हूं। फिर एटीट्यूड टूवर्ड्स चेंज। जो रिएक्टिव टीचर है वो क्या कहेगी, आई हेट चेंज, इट्स ऑलवेज टेकिंग समथिंग फ्रॉम मी, और प्रोएक्टिव टीचर कहेगी एक्सेप्ट इट एज अ कॉन्स्टेंट, एम्ब्रेस इट। वो कहती है कि चेंज तो हर वक्त होती है, हर सिचुएशन नई है, हर दिन नया है। एक टॉपिक ऐसा है जो मैंने शायद कोई हजार दफा पढ़ाया है, लेकिन हर दफा क्लास में मुझे डिफरेंट ही रिस्पॉन्स मिलता है। अब कई क्लासेस में बच्चे उठ के बड़े खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, और कई दफा वही टॉपिक में कहीं और पढ़ाती हूँ, बल्कि मुझे लग रहा होता है कई दफा मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ाया क्योंकि अब ग्रिप ज्यादा है, लेकिन ऑडियंस सब बोर होती है। अच्छा, कई दफा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, मैं समझती हूँ मैं बड़ा अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल नहीं अच्छा पढ़ा पाती। एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, लेकिन आप उसको एम्ब्रेस करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। रिएक्टिव टीचर क्या करती है, आई डोंट सी द नीड फॉर इट, माय आइडियाज ऑलवेज गेट रिजेक्टेड। रिएक्टिव लोग क्या होते हैं, कहते हैं मैंने अपना आइडिया ही नहीं कोई देना, मैंने ना बोलना ही नहीं है, मैंने ना बात ही नहीं करनी, क्या पता आपके 100 आइडियाज में से एक एक्सेप्ट हो जाए, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए, आप देते रहे। रिजेक्ट होता है तो आप कहें कोई बात नहीं, मैंने तो अपना हिस्सा डाल दिया। जो प्रोएक्टिव होती है वो क्या करती है, व्यू इट एज एन एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस। आपके अपना दिमाग खुलता है, आप खुद सोचते हैं, वो लीडरशिप रोल्स में आ जाते हैं। फिर मिशन। जो रिएक्टिव लोग हैं वो कहते हैं आई एम डूइंग दिस जॉब टू पे द बिल्स, और जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो कहते हैं आई एम डूइंग दिस जॉब टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं मैं कर रही थी, तो चलो थोड़ा सा काम करती रहूं। आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं रिएक्टिव होने से, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देता है। जो लोग कभी ऐसी बातें करते हैं ना, किसी भी सिस्टम में रहते हुए जो लोग ये बातें करते हैं, ठीक है फिर मैं छोड़ जाती हूँ, तो आप छोड़ जाएं, सिस्टम चलता रहेगा। वो जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं उनको आगे से आगे लेके जाएगा। आप अपने लिए हालात मुश्किल बनाते हो, जी, जब आप ये जी आपकी अपनी मिजरी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोग क्या समझते हैं कि मेरा जो आना है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी ग्रोथ है, ओनरशिप के साथ वो काम करते हैं, तो उनको किसी के कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो रिएक्टिव लोग होते हैं उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स द फ्यूचर, इनडिफरेंट और फियरफुल। वो कहते हैं हाय अल्लाह नई टर्म शुरू हो रही है, पता नहीं मेरी क्या ड्यूटी लगेगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैंने तो पढ़ाना ही है जहां मर्जी लग जाए। और जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो क्या करते हैं, होपफुल एंड एक्सपेक्टेंट, यानी वो कहते हैं मेरी ग्रोथ होगी, मैं नई चीजें सीखूंगी।
कुछ लोग इतने प्रोएक्टिव होते हैं, पहले से कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं ये काम करूं, ये जरूर कह देते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें जगह है तो मुझे दे दें, लेकिन वो नई नई चीजें सीखते हैं। कुछ लोग अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, वो कहते हैं मैं इधर ही ठीक हूं। माइंड सेट एट वर्क क्या होता है, जो रिएक्टिव लोग हैं, डूइंग वट दे आर टोल्ड बट नो मोर एंड वेट फॉर ऑर्डर्स, वो कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी अजाब बन जाते हैं, यानी कि उन्होंने हिलना नहीं, लकीर के फकीर हैं। अगर मीटिंग में कह दिया गया कि आपने ये 3 हदीसें सुनानी हैं, टाइम खत्म हो गया है, बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, नजर आ रहा है, एक स्टोरी को या एक हदीस को अच्छी तरह सुनाया जा सकता है, उन्होंने स्पीड छोड़ के सारा कुछ सुनाना है। उन्होंने नहीं देखना कि इस वक्त की नीड नहीं तो मैं चेंज कर दूं, उस वक्त ना बोलूं, एक एडिशनल पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है बता दूं। मुझे लगता है जब दुआ पढ़ के बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, फरिश्तों ने ढांपा हुआ होता है, वहां की सिचुएशन ही और होती है क्लासरूम की। और जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल उनका लुक होता है, लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिव टाइप होते हैं, वो हर अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं। उन्होंने अगर एक स्टोरी सुनानी है उसके साथ उन्होंने वही बात है कि कोई एक्टिविटीज रखी हुई है, कभी ये दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं, कभी बच्चों को इंगेज कर रहे हैं। कई बच्चे मैंने देखा है ग्रुप में आके वो लेट रहे हैं, वो हिल रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो टाइम देख रहे हैं और टीचर मस्त अपना लेसन ले रही है। टीचर को इतना मजा आ रहा है लेसन लेने में, और जिसको पढ़ा रही है उनको पता ही नहीं चल रहा। भाई आप थोड़ा सा एनर्जी लेवल ले आए, आप उनको खड़ा कर लें, आप उनके साथ थोड़े से एक्शन कर लें, आप किसी बच्चे को इंगेज कर लें। नहीं, वो खुश इस बात पे है कि मैंने ना फ्लैश कार्ड बहुत सजा के लगाए हैं, देखिए मैं कितने खूबसूरत फ्लैश कार्ड बनाती हूँ, और वो लेसन और वो जो बच्चे को पढ़ाना है उसमें कोई प्रोएक्टिविटी नहीं, ये भी रिएक्टिव अप्रोच होती है। How does senior management view them? जो reactive लोग हैं उनको expendable, replaceable cogs in a machine, उनके अंदर वो जो potential है इतना नजर नहीं आता, लेकिन जो proactive लोग हैं unique, irreplaceable, indispensable, उनको लगता है कि इनको यहां होना जरूरी है, इनको टीम में हर हाल में रखना जरूरी है, इनके जाने से बहुत बड़ा लॉस होगा, और वो उनपे इन्वेस्ट करते हैं। इवन coordinators आपके साथ ज्यादा कॉपरेट कहां करेंगी, ये नहीं है कि वो जान के कर रही हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब उनको कोई जो प्रोएक्टिव टीचर अप्रोच करती है वो ज्यादा जल्दी उनको रिस्पांस देते हैं, जो रिएक्टिव टीचर करती है उनको नहीं दिल चाहता रिस्पांस करने को। इसमें मैं ये भी देखती हूँ कि जो कोऑर्डिनेटर खुद प्रोएक्टिव होती है उसका ग्रुप भी बेटर फंक्शन करता है। एग्जैक्टली, जो कोऑर्डिनेटर रिएक्टिव होती है ना तो फिर वो ग्रुप भी डिसइंटीग्रेटेड होता है, चाहे नीचे प्रोएक्टिव लोग हों भी। बिल्कुल, इट गोज बोथ वेज। इवन जो टीम लीडर है, जो सीईओ हो या इंचार्ज हो, हेड हो, उसका भी प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी टीम जो है वो सफर करती है। एम्प्लॉयबिलिटी अगर देखते हैं, रिएक्टिव क्या होते हैं, क्वेश्चनेबल होते हैं, ऑर्डर टेकर्स, इनको आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं मिलते, इनको कोई रखना नहीं चाहता। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि मैं जिस ग्रुप में उस टीचर को भेजती हूँ वो मुझे कहती है खुदा के वास्ते इसको ना दे, मैंने नहीं इसको रखना। क्यों? वो ग्रोथ नहीं करती, वो रिएक्टिव स्टाइल से आती है। वो कहते हैं उसको समझाओ भी तो वो बात नहीं सुनती, उसको सिखाना चाहो भी तो वो नहीं सीखती, और वो समझती है मैं बहुत अच्छी हूं। अच्छा, मीटिंग्स में भी अक्सर जब मैं कोई इशू पॉइंट आउट करती हूँ तो जो प्रोएक्टिव टीचर्स है ना वो जरूर मुझसे या मैसेज करके पूछेंगी या फोन करके पूछेंगी या परेशानी में मुझे पूछेंगी मैंने तो नहीं कोई गलती की, और जो रिएक्टिव टीचर्स हैं वो इतनी खुश खुश उठ के जाती हैं, वो कहती किसी और की बात हो रही है। ये आपका अपना असेसमेंट होनी चाहिए मैं क्या कर रही हूं। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं, देयर एक्सीलेंट, ऑलवेज इन डिमांड। हर ग्रुप की कोऑर्डिनेटर कहती है कि इसको तो मुझे दे दें, और जो रिएक्टिव लोग हैं उनके जाने पे लोग कहते हैं शुक्र है। बड़ा डिलेमा ये होता है कि हम अपने अंदर रिएक्टिविटी को नहीं देख रहे होते। बिल्कुल, जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो ये सारे डिसीजन भी बहुत अच्छे रिमार्केबल लेते हैं। मेरे पास ऐसे प्रोएक्टिव लोग हैं जो पूरा पूरा साल ऑफ ले लेते हैं, लेकिन वो इतने प्रोएक्टिव होते हैं कि वो मेरे से कोई बैक एंड पे काम ले लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास जो इतने प्रोएक्टिव हैं, वो आके हमें किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट कर देते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे, वो क्लासेस नहीं ले रहे,